नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सैलरी और पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, जानेंगे इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर छोटे से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लेटेस्ट जजमेंट दिया गया है। यहाँ पे सिविल अपील नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रमोशन से इनकार करने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी। शीर्ष अदालत ने उन मामलों पर विचार करते हुए ये बात कही है कि जिनमें कुछ कर्मचारी 9 अगस्त 1999 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी एसीपी के लाभ का दावा कर रहे हैं। जस्टिस आर एस रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि उक्त योजना में उस कर्मचारी के लिए अगले उच्च वेतन तक पदोन्नति का प्रावधान है जिन्हें 12 साल की सेवाओं के बाद पदोन्नति नहीं मिली और दूसरी पदोन्नति 24 साल की सेवा के बाद स्वीकार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिकाओं पर अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर रेगुलर प्रमोशन की पेशकश की जाती है लेकिन कर्मचारी वित्तीय यूनियन का हकदार बनने से पहले इससे इनकार कर देता है तो ये वित्तीय पदोन्नति का हकदार केवल इसीलिए नहीं होंगे कि उन्हें ठहराव का सामना करना पड़ा है। पीठ ने कहा है कि यह भी देखा जा सकता है कि जब कोई कर्मचारी प्रस्तावित पदोन्नति से इनकार करता है तो उच्च पद पर काम करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है जो प्रशासनिक कठिनाइयों को जन्म देती हैं, क्योंकि संबंधित कर्मचारी अक्सर अपनी पद स्थापना की जगह पर बने रहने के लिए अक्सर पदोन्नति से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर प्रमोशन लेने से इनकार करने या टालने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव को खारिज करने वाले कर्मचारियों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अगस्त 1999 में जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत पदत वित्तीय लाभ पाने का अधिकार नहीं है। तो ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।